हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर ऑन होने के बाद आपका नाम बोल सकता है कंप्यूटर, यानी दोस्तों कि आप अगर कंप्यूटर में सेटिंग करेंगे ये तो आपकी कंप्यूटर जब भी ऑन होगा तो आपका नाम बोलेगा या आपकी जो भी उसमें सेटिंग करेंगे वो बोलेगा। यानी कि दोस्तों अगर वेलकम लिख रहे हैं तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद वेलकम लिखेगा, या फिर लिख रहे हैं अपना नाम तो आपका नाम बोलेगा, यानी जो भी वहां पे आप टाइप करेंगे वही आपकी कंप्यूटर बोलेगा जब भी ओपन होगा या जब भी शट डाउन करके आप ओपन करेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसे आप अपनी कंप्यूटर को भी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि क्या कमांड है और कैसे सेटिंग करेंगे ताकि हमारी कंप्यूटर जब भी ऑन हो तो हमारा नाम बोले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला कमांड है और इस कमांड में आपको टाइप करना पड़ता है दोस्तों सिंपल। तो दोस्तों मैं ये कमांड अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सिंपल वहां से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लिख रहा है यहाँ पे देखेंगे स्पीक्स, और यहाँ पे डबल कॉमा के बाद में यहाँ पे जो लिख रहा है यहाँ पे देखेंगे वेलकम मिस्टर खान। यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखेंगे वही आपकी कंप्यूटर बोलेगी ये स्टार्ट होने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो भी मर्जी अपना टाइप कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे वेलकम मिस्टर खान टाइप करता हूँ। और इसके बाद आपको इसे सेव कर लेना है, यानी सेव एज करना है। यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नाम यहाँ पे कुछ भी डालो, जैसे मैंने नाम डाल दिया वेलकम, मैं लिख देता हूँ वेलकम के बाद, यानी कोई भी नाम देने के बाद दोस्तों डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा VBS, यानी दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है डॉट लगाने के बाद VBS। ये VBS एक कमांड होता है जो कंप्यूटर के अच्छी नॉलेज रखते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि VBS एक साउंड बेस पे काम करता है कंप्यूटर के लिए। जैसे कि आपने सॉन्ग पे देखा होगा MP3 HD फुल HD, तो आपको पता चल जाता है कि HD है ये, MP3 है ये, म्यूजिक है, वैसे यहाँ पे VBS काम करता है। दोस्तों इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, बस इतना समझे आपकी VBS कमांड आया, VBS आपको लिखना पड़ेगा तभी जाके आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, देखेंगे मैंने सेव कर दिया और ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। देखेंगे अगर ये प्रॉपर वे में सेव हो जाएगा तो देखेंगे ऐसा ही सिंबल बन के आएगा, अदरवाइज अगर आपने कोई मिस्टेक किया तो ऐसा सिंबल बन के नहीं आएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसको कैसे सेट करेंगे। ये तो आपने एक बना लिया, अब इसे कहां पे आप पुट करेंगे ताकि आपका कंप्यूटर आपका नाम बोलेगा। जैसे मैंने इसमें टाइप किया था वेलकम मिस्टर खान तो वो बोलेगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। सिंपल आपको विंडो R डालना है, यहाँ पे आपको रन में टाइप करना है SHELL, उसके बाद दोस्तों क्लोन देना है यानी डबल कॉमा, और उसके बाद स्टार्टअप लिखना है, और ये लिखने के बाद दोस्तों आपको एंटर करना है। सिंपल एंटर करते ही देखेंगे ये वाला आ गया हमारे पास बॉक्स, यहाँ पे आप देखेंगे इसे बोलते हैं स्टार्टअप। ये है दोस्तों कंप्यूटर का स्टार्टअप बॉक्स, इसमें जो भी आप टाइप करते हैं इस कमांड को बना करके डालते हैं वही चीजें कंप्यूटर आपको बोलेगा। अब सिंपल हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमने क्रिएट किया था यानी यहाँ पे VBS फाइल जो हमने बनाया था उसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इस बॉक्स में ला करके, देखेंगे मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। और उसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल आपको इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करके दिखाता हूँ कि ये हमारा वैसे बोल रहा है कि नहीं, यानी कि साउंड आ रहा है कि नहीं, मिस्टर खान बोल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करता हूँ, देखेंगे तो दोस्तों ऐसे करके आप अपनी कंप्यूटर से कुछ भी बुलवा सकते हैं, अपना नाम अपनी एड्रेस जो भी मर्जी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे, दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में डालना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।